किसी वस्तु को देखते समय वस्तु और वस्तु का ज्ञान, इन दोनों में अंतर कुछ दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता है, उसमें क्या लगता है? वस्तु अलग है, ज्ञान अलग है, या दोनों एक ही दिखते? होने का नहीं, लगने का ही प्रश्न है अभी। जैसे सामने ये श्यामपट है, ये क्या नाम है, चित्रपट, देखते समय इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि ये और इसका ज्ञान दोनों अलग अलग है, अनुभूति नहीं लगता? नहीं, देखते समय था ना, देखते हुए एक ही लगता है ना। तो जबकि इसमें यानी भेद है, ऐसे ही शरीर और शरीर की जो अनुभूति है इनमें भी भेद नहीं लगता है। ऐसे मैं और अपनी जो अनुभूति है इसमें भी भेद नहीं लगता है। अनुभूति में भेद नहीं है, जो भेद इसमें इस पट में और पट के ज्ञान में, वही मैं और मैं के ज्ञान में भेद है। ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों अलग अलग होते हैं ना, तो अलग अलग जो नहीं देखना है ये क्या है, कौन सा क्लेश है? ये अस्मिता क्लेश कहलाता है, बुद्धि में और दृष्टा में, बुद्धि में या विषय में भेद नहीं दिखाई देना, ये अज्ञान के अंतर्गत आता है। शब्दार्थ ज्ञान विकल्पे संकीर्णा सवितर्का समापत्ति। शब्द अर्थ और ज्ञान ये तीनों क्या होते हैं, जैसे अलग अलग होते हैं तो इनमें भिन्नता नहीं देखना, ये समापत्ति क्या है, सवितर्का समापत्ति के अंतर्गत आता है। लेकिन बुद्धि और आत्मा में भेद नहीं देखना, ये क्लेश के अंतर्गत आता है। बुद्धि में और बोधा में दोनों में भेद ना दिखने के कारण से ही यहाँ तक पहुँच जाता है, शरीर तक, कि मैं शरीर हूँ, शरीर से भिन्न नहीं हूँ। वस्तुतः जो भी अनुभूति हो रही होती है वह अपने से पृथक नहीं लगती है, नहीं लगने के कारण से फिर वो अपना स्वरूप हो जाता है, अपना ही स्वरूप लगने लगता है। इसी कारण से हम अपने शरीर को कभी अपने से अलग नहीं देख पाते हैं। इसके लिए ज्ञान में, उसके विषय में और ज्ञाता में, तीनों में जो भेद है उसको देखने का प्रयास करते रहना चाहिए। कई जगह में तो हो ही जाता है दोनों में भेद, जैसे कि अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं इसको, इस समय तो ज्ञान नहीं हो रहा है, अलग अलग
लेकिन जैसे ही परोक्ष होता है तो ये तो नहीं रहता है, लेकिन ज्ञान रहता है इसका। यही का यही ज्ञान स्मरण जब करते हैं वो उपस्थित हो जाता है, लेकिन उसका विषय कहीं नहीं मिलता है। कभी ऐसा होता है ना, नष्ट हो गया कोई व्यक्ति आदि, जैसे उसकी मृत्यु हो गई, पर ज्ञान उसका ज्यों का त्यों होता रहता है। कम से कम इससे ये तो हुआ ना कि ज्ञान और ज्ञान का विषय ये दोनों एक नहीं होते, क्योंकि एक के नहीं रहने पर भी दूसरा है। अगर एक ही होते तो साथ में दोनों चले जाते, विषय के साथ ही उसका ज्ञान भी चला जाता, अथवा ज्ञान यदि बना रहता तो विषय भी नहीं जाना चाहिए था। दोनों एक होते तो ऐसा ही परिणाम आता, ऐसा परिणाम नहीं आता है। दूसरी बात है कि शरीर आदि के रहते हुए भी इसका ज्ञान नहीं रहता है। शरीर कभी नहीं रहता हो ऐसा तो होता है नहीं है जीते जी, लेकिन कितने ऐसे काल हैं जब शरीर का ज्ञान नहीं रहता है। रोज सो जाते हैं तो उसमें इसका ज्ञान रहता है या शरीर का नहीं रहता है, जबकि शरीर तो रहता है। वो इससे ये होता है कि वस्तुतः शरीर और शरीर का ज्ञान दोनों एक नहीं है। ऐसे अपने विषय में भी होता है, मैं का ज्ञान भी अर्थ में नहीं रहता है। किसी वस्तु के देख रहे हैं इसको तो यही देखता रहता है, मैं देखता हूँ ये भूल जाते हैं कई बार। जब नया विषय होता है एकदम से, उस विषय में फिर स्वयं को भूल जाते हैं, नहीं रहता है अपना बोध, केवल दृश्य का उसी का रहता है जिसको हम जान रहे होते हैं। जबकि हमारा लोभ कभी नहीं होता है, फिर भी अपनी अनुभूति नहीं रहती है। से होता है कि ज्ञान और हम एक नहीं हैं, अलग अलग ही हैं। एक होने पर दोनों में कभी अंतराल होना नहीं चाहिए था, अंतराल केवल भिन्न में ही होता है, अभिन्न में अंतराल नहीं हो सकता है। पर हमारे बीच अंतराल होता रहता है, इस कारण से दोनों में एकता नहीं है। और जब वर्तमान काल में हम देख रहे हैं किसी विषय का, तो उस समय भी एक नियम ये होता है, जो वस्तु होती है वो वही की वही रहती है, वो तो बदलती नहीं है, लेकिन उसमें अपना ज्ञान एक नहीं रहता है, बदलता रहता है, लगातार एक जैसा ज्ञान नहीं होता है। उसको देखते 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 बंद हो जाएगी, या तो आंख बंद हो जाएगी या फिर दूसरे विषय आ जाते हैं, केवल यही नहीं दिखता है। इसको कितनी देर देख सकते हैं लगातार बिना ज्ञान बदले, एक मिनट दो मिनट है, उससे ज़्यादा नहीं देख सकते ना। पर ये तो बदला नहीं एक मिनट में, इससे संबंधित ज्ञान होता है वो बदल जाता है अपने आप। तो ये बता देता है कि फिर ये और ज्ञान दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग होते हैं। वस्तुतः कोई भी विषय हमारे लिए सतत खड़ा नहीं हो पाता है, वो ज्ञान किसी भी विषय का निरंतर नहीं रहता है, क्योंकि वो विषय बिल्कुल सामने रहता है। तो प्रत्यक्ष काल में भी जब लग रहा हो कि दोनों अलग अलग हैं कि नहीं, उसी का यही है, थोड़ी देर में प्रतीक्षा करने से ही वो सामने आ जाता है कि नहीं दोनों एक नहीं है।
ऐसे शरीर के विषय में भी होता है। शरीर का ध्यान करके अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, शरीर का ज्ञान लुप्त हो जाएगा, नहीं रहता है। और इससे आगे अगर थोड़ा जाते हैं, शरीर का जो स्वरूप है, रक्त है, मांस है, हड्डी है, पता नहीं कितने सारे हैं इसके अभी अब, उनका तो ज्ञान एक क्षण भी नहीं होता है। हड्डी का ज्ञान करो मुश्किल से स्मृति में, तब होगा। नहीं, वास्तविक आकृति क्या है, अंदर हड्डियों की, तो कभी होता ही नहीं है। तो अगर दोनों एक ही होते तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। ज्ञान और विषय एक होते तो ऐसा भेद होना ही नहीं था कभी, पर ये ऐसा होता है। इससे भी होता है कि ज्ञान और ये नहीं है ऐसे, और ये नियम फिर अपने ऊपर भी घट जाएगा। अपना ही ज्ञान करोगी मैं कौन हूँ, अब ये ज्ञान देखो बदलता रहेगा, पता ही नहीं चलेगा कौन हूँ, जबकि होना ये चाहिए था, जो मैं हूँ वो लगना था सीधा। ज्ञान स्वरूप से भिन्न तो हो नहीं सकता था। जैसा कि मैं जाता हूँ ये अपना स्वरूप है, पर मैं जाता हूँ ये ज्ञान ही नहीं होता है। तो यहाँ जो ज्ञान हो रहा है वो विषय के विपरीत हो रहा है, बिल्कुल विषय के अनुकूल हो ही नहीं रहा है यहाँ ज्ञान। तो अब इससे सीधे सीधे फिर होता है कि जो हम जान रहे हैं वो ज्ञान एक अलग पदार्थ है, और जिसको हम जान रहे हैं वो हमसे अलग पदार्थ है। और बाहर वाले में तो हो ही जाता है कि हमसे अलग है ये, ऐसे भेद इनमें होते हैं। इन अनेक प्रकार के जितने सारे हेतु हैं या अनेक ऐसे हैं कारण, जिससे ये लगता रहता है कि दोनों में भेद है, वही हम नहीं हैं। ज्ञान अलग से होता है। और ऐसे ही कई बार ऐसा होता है किसी की स्मृति करते हैं तो कभी कभी होता है उस विषय की स्मृति नहीं उठती है, याद नहीं आता है। कोई सूत्र है, किसी का नाम है, या कोई मंत्र आदि ले लो, उसमें लगता रहता है कि पता नहीं कौन, याद तो है, याद नहीं आ रहा है, है तो कुछ लेकिन याद नहीं आ रहा है। तो उस काल में देखिए उस विषय में ज्ञान कैसा है, अभी याद नहीं आ रहा है तब, और थोड़ी देर में थोड़ा सा यानी प्रभाव बल लगाने पर कुछ काल में उसकी स्मृति ज्ञान उठ जाती है, ज्ञान हो जाता है। तो उस समय अब उसका ज्ञान हो रहा है तो वो पृथक हो जाता है। स्मरण आने के बाद अब जो लग रहा है वो उसका ज्ञान है, और उससे पहले वही नहीं था। तो अब यहाँ पर ज्ञान जो होता है, एक बार सामने आता है, दूसरे बार वो सामने नहीं रहा आता है, विलुप्त हो जाता है सामने से। इसके आधार पर थोड़ा सा ज्ञान को जान सकते हैं कि ज्ञान होता क्या है। यद्यपि ज्ञान अपने विषय से रहित होता नहीं है कभी, इस कारण से विशुद्ध रूप में केवल ज्ञान को तो जाना नहीं जा सकता। ज्ञान कभी निर्विषय होता नहीं है, इसलिए अलग से उसको जानना तो बहुत कठिन है, नहीं होता है ज्ञान। ऐसी इच्छा है, प्रयत्न है, ये सब भी अलग से ज्ञान नहीं होते। बिना विषय की इच्छा कोई नहीं होती है,
कुछ चाहिए तभी इच्छा प्रकट होगी। केवल चाहिए ये ऐसा देखने का प्रयास करें तो नहीं दिखेगी। प्रयत्न भी ऐसे ही नहीं होता, अकेला प्रयत्न नहीं होता है, किसी के आश्रय से हो रहा होता है। ज्ञान का ज्ञान जब होगा तब आएगा, हाँ वैसे नहीं आएगा। ज्ञान का भी ज्ञान अलग से होता है, नहीं होता है तो केवल उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता था। उसका पदार्थ का जो निरूपण होता वो संभव ही नहीं था। इस कारण ज्ञान का ज्ञान होता तो है, वैसे नहीं होता है जो करने लगते हैं हम सामान्य रूप से, नहीं जैसे किसी विषय युक्त ज्ञान हो जाता है, वैसी केवल ज्ञान की अनुभूति नहीं हो पाती है। और समाधि के माध्यम से तो होता ही है, संभव ही है, लेकिन वैसे अनुमान से भी उसका बहुत कुछ रूप सामने आता है, ये ज्ञान है। तो इसमें जानने का जो प्रयोजन है हमारा, इसको जानना चाहिए, ज्ञान को, इसके भेद को, इसलिए आवश्यक है। इसको जाने बिना अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा। जब तक ज्ञान समझ में नहीं आता है या ज्ञान का विषय से भेद, अलग अलग ज्ञानों का भेद नहीं आता है पकड़ में, तब तक अपनी पृथकता नहीं दिख पाएगी। अपनी पृथकता नहीं दिख रही है, उसका कारण यही है कि ज्ञान को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, शरीर से नहीं अलग कर पा रहे हैं या स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण से दोनों की अनुभूति एक ही रहती, बनी हुई रह जाती। इस कारण से अपनी पृथकता को जानने के लिए, शरीर से अपने को अलग हैं कोई पदार्थ हम, ऐसा जानने के लिए ज्ञान भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है, अथवा इसका नहीं जानना भी एक बहुत बड़ा बाधक है। इस कारण से इसको भी ऐसे ही जानने का प्रयास करते रहना चाहिए। ज्ञान एक गुण है, वो द्रव्य नहीं है, कर्म नहीं है, द्रव्य नहीं है। तो इस कारण से कभी भी उसकी एक अलग से स्वतंत्र सत्ता नहीं मिलेगी, अलग से वो नहीं मिलेगा, दिखेगा, वो आश्रय सहित ही होगा। जैसे ये प्रकाश है, प्रकाश अलग से कहीं नहीं दिखेगा, जिस आश्रय में है वहाँ तो ये दिखा है, वहीं दिखेगा, वहाँ से हट करके प्रकाश यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ देखना और वहाँ जैसे इस बल्ब में है, दोनों में अंतर हो जाता है। वहाँ देखते हैं तो साफ साफ दिखता है प्रकाश, लेकिन वो भी अपने आश्रय से अलग से वहाँ भी नहीं दिख रहा है, अलग हो करके बल्ब में जैसे दिख रहा है ना, प्रकाश है, ज्ञान हो रहा है, लेकिन इसकी आकृति अलग से दिखती है या नहीं दिखती है? रंग अलग से नहीं दिखता है, उसके साथ साथ ही दिखता है, लेकिन फिर भी लगता है कि ये दोनों अलग हैं, क्योंकि इसको हम बिना प्रकाश के भी एक बार देखे हुए रहते हैं, उस समय ये कुछ और दिखता है, अलग ढंग का दिखता है। उस समय का ज्ञान हमारे पास होता है कि ये ऐसा होता है, पदार्थ तो ऐसा है, और बाद में जब जलने लगता है तो उस ज्ञान से भेद हो जाता है इसमें। तो इन दोनों ज्ञानों में परस्पर भेद दिख जाने से यहाँ हम उसके आश्रय से उसको अलग जानने में समर्थ हो जाते हैं। प्रकाश और प्रकाश का जो आश्रय है वो हमको सरलता से समझ में आ जाता है, यानी इसमें कौन सा अनुमान लग जाता है, सामान्य तो दृष्ट हो जाएगा। एक बार इससे रहित होता है ये, और अब सहित हो गया ये,
इसमें कुछ एक विशेष आ गया। ज्ञान भेद के कारण से हम अब इसको अलग से पकड़ लेते हैं, जान जाते हैं कि ये वही नहीं है, उससे अलग है। बिजली जैसे है, प्रत्यक्ष तो कभी दिखती नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान में हो रहा है कि बिजली है इसमें। धक्का उक्का कभी मार खा रखे हैं उससे, तो उसी समझ में तो पूरी आती है, छूते हैं जब उसको, लेकिन उसके बाद भी तो पता लगता रहता है ना, आई हुई है, तार में है बिजली, ऐसे दिखती नहीं है वो, पर ज्ञान उसका होता है। कभी कभी तार को देख करके जैसे होता है कि इसमें बिजली आ रही, नहीं रहती है, तब भी रहता है संशय। तो इसका मतलब होता है कि प्रत्यक्ष तो है ही नहीं, वो अनुमान से जान रहे होते हैं उसको। लेकिन यहाँ प्रकाश जो होता है तो प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ इसमें इतना ही लेना, यद्यपि यहाँ जो दिख रहा है ना, ये यहाँ जो भाग है, यहाँ भी प्रकाश इसलिए दिख रहा है, ये किसी के आश्रित है, टकरा रहा है, मतलब यहाँ पर भी कण है। अगर कण नहीं होते तो यहाँ सफ़ेद ऐसा उजाला सा नहीं होता, क्योंकि बिना परावर्तन के दिखता नहीं है प्रकाश। यहाँ परावर्तन के लिए नहीं होता तो फिर यहाँ दिखता नहीं, तो दिख रहा है इसका मतलब यहाँ भी पदार्थ उसमें तो बहुत, तो वो गाड़ी जब रहेगी तब दिखेगी, बगल से तो नहीं दिखेगी, सामने से दिखेगी। नहीं वैसे जैसे ऐसे है ना, वो नाली वाली से जा रहा है, हाँ तो उसमें बगल से तो नहीं दिखेगा वो, लेकिन ऐसे यहाँ जैसे दिख रहा है ना, यहाँ सब है साफ सा, तो यहाँ मतलब है कि किसी पर पड़ता हुआ प्रकाश है। यहाँ भी पदार्थ हैं इसलिए दिख रहा है, यहाँ ऊपर अंधकार में नहीं दिखता है, फिर वहाँ नहीं है पदार्थ। नहीं बाहर जैसे देखते हैं ना ऊपर, थोड़े दूर तक दिखता है, ज़्यादा नहीं दिखता है, फिर प्रकाश नहीं पहुँचता है, वो प्रकाश वापस नहीं आता, वो कहीं और चले जाते हैं, और यहाँ आ रहा है। ये इन दीवार आदि पर टकराता है, चलिए टकराकर भी ये बीच में ना भाग, और इसमें भी कण होंगे, कण तो होना ही चाहिए ना, उसके बिना तो होगा नहीं। एक तो यहाँ निकट से आ रहा है ये प्रकाश जो है, इस कारण से जल्दी जल्दी टकरा रहा है, लेकिन बिना टकराए तो नहीं आएगा, इतना तो है। काले रंग में वो अवशोषित हो जाता है, तो नहीं दिखता है, वापस नहीं आता है। तो जो भी हो, यानी आश्रय के कारण से जैसे यहाँ प्रकाश दिखता है, बिना आश्रय के उसको नहीं देख पाते हैं, तो ऐसी गुनगुनी में भी स्थिति रहती है। अकेले गुण देखना चाहेंगे तो नहीं दिखेगा, वो अपने गुणी के साथ यानी आश्रय के साथ ही दिखता है, प्रतीति होगी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वो अलग से ज्ञान होगा नहीं, जैसे आश्रय सहित प्रकाश का ज्ञान अलग से हो जाता है, ऐसे आश्रय सहित गुण का भी ज्ञान गुणी से अलग हो जाएगा। अपने से जो भिन्न है, अपने आश्रित ज्ञान गुण, उसका भी ज्ञान होगा। शरीर के आश्रित जो शरीर का ज्ञान है, वो भी उससे अलग ज्ञात होगा। तो इस नियम के अनुसार से धीरे धीरे, मतलब बहुत सूक्ष्मता से जब इनको देखते रहते हैं, विचारते रहते हैं, तो समझ में आता है कि इनका ज्ञान इनसे अलग है। ऐसे अपना ज्ञान
शरीर का ज्ञान, इन सब का ज्ञानों में भेद होने से भी ये एक पदार्थ नहीं है, अलग अलग पदार्थ हैं। इस प्रकार से इनको जानने का प्रयास करना चाहिए।